गाइस, ये दंडल है गाइस, बर्फ का बंडल है गाइस। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो आज हम दंडल वैली जाएंगे, अभी देखेंगे वहां से रास्ता निकाल रहे हैं। तो आज बर्फ करने के लिए जा रहे हैं, बहुत दिनों के बाद लगभग जब से विंटर स्टार्ट हो गया है तब से। तो अभी हमारे साथी यहाँ पे रास्ता निकालने जा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे हमारा मामा है, आगे हमारा भाई है जो रास्ता निकाल रहा है अभी। वही सब भी हम यहाँ से जा रहे हैं, रास्ता निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो गाइस अभी हमें यहाँ से रास्ता निकलना है, अभी हम यहाँ से रास्ता निकालेंगे। रास्ता पूरा हवा ने बंद किया है क्योंकि बर्फ ज्यादा आने की वजह से। चलो चलो तो इधर अंदर दरवाजा खोल कर देखते हैं कितना बर्फ है। ओ बाप रे, तो देखिए गाइस कितना बर्फ है, आप खुद देख सकते हैं। ओ बाप रे, जो खून है कितना बर्फ है, आप देख सकते हैं गाइस। ओ बाप रे, लगभग गाइस। तो आज हम दंडल वैली आए थे क्योंकि बर्फ करने के लिए, बहुत सारा बर्फ यहाँ पे जमा होता है, बहुत सारे लोग आ जाते हैं विंटर का जब सीजन खत्म हो जाते हैं तो बर्फ करने के लिए आते हैं, क्योंकि समर में यहाँ मवेशी लेकर लोग आते हैं, पहाड़ों में मवेशी रखते हैं। तो अभी देखिए कितना सारा बर्फ है, यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 6 फुट तक बर्फ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। मैं इधर पे जाऊंगा जरा। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारा बर्फ है, अभी हम जितना भी बर्फ यहाँ पे हम इसको हटाएंगे तो दिखाएंगे किस तरह फेंकते हैं यहाँ के लोग बर्फ। अभी हम बहुत सारे लोग आए हैं, दो लड़कियां जो है खाना बनाएंगी, बाकी सब बर्फ फेंकेंगे, और भी बहुत सारे गाँव वाले हैं।
तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बर्फ़ है। अभी हमने यहाँ पे मिट्टी डाली है क्योंकि मिट्टी से क्या होता है कि ये बर्फ़ जल्दी पिघल जाता है। तो अभी आप दरवाज़ा देख सकते हैं कितना बर्फ़ आया। अभी हम अंदर जाएंगे सीढ़ी से। अभी हम बनाएंगे अपने लिए खाना, मैगी वैगी तैयार करते हैं। ओह अभी इधर अंदर से जाना है हमें, तो दरवाज़ा खोलेंगे फिर अंदर देखेंगे। अब इंटर को यहाँ नहीं बैठते इसीलिए